राकेश ठाकुर आपका हैबिट एजुकेशन चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और ये वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ मैं हिंदी साहित्य से। और हिंदी साहित्य आप जानते हैं सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेंगे। ठीक है जी, आप जानते हैं हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य से वो स्टेट लेवल पीसीएस हो, एलाइड हो या फिर एसआई हो या कोई भी वन डे एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे यहाँ से। ठीक है जी, तो बात करते हैं हम हिंदी साहित्य की। हिंदी साहित्य क्या है तो आप सभी जानते हैं कि हिंदी साहित्य की जो उत्पत्ति 8वीं शताब्दी से मानी जाती है। जिस टाइम हर्षवर्धन की मृत्यु हुई उस दौरान हमारा राष्ट्र, हमारा देश, जहां बहुत से शासक रहते थे वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया था और मुसलमानी आशक्ताओं का यहाँ पे बहुत विस्तार हो रहा था और आपस में संघर्ष हो रहा था। ठीक है जी, तो हिंदी साहित्य के विकास के लिए इसे चार भागों में बांटा गया। तो आप जानते हैं हिंदी साहित्य को चार भागों में किसने बांटा? तो हिंदी साहित्य को चार भागों में रामचंद्र शुक्ल जी ने बांटा। ठीक है जी, रामचंद्र शुक्ल जी ने बांटा। तो आप जानते हैं ये चार भाग कौन कौन से हैं जो हिंदी साहित्य के विभाजन के संदर्भ में हम देखते हैं उन्हें? आदिकाल हो गया, भक्ति काल हो गया, रीति काल हो गया और आधुनिक काल हो गया। ठीक है जी, है ना। तो आदिकाल की अगर हम टाइमिंग की बात करें इनकी, तो आदिकाल का जो टाइमिंग था, आदिकाल का टाइमिंग कब से कब तक रहा? तो आप जानते हैं 1000 से 1350 तक आदिकाल का टाइमिंग रहा। और भक्ति काल की टाइम पीरियड कितना रहा? 1350 से लेके 1650 तक भक्ति काल का टाइम पीरियड रहा। और रीति काल की बात करें तो रीति काल का जो टाइम पीरियड है 1650 से लेके 1850 तक रहा। और आधुनिक काल की बात करें तो 1850 से लेके अब तक का जो टाइम है वो आधुनिक काल का टाइम रहा। तो आप जानते हैं हिंदी साहित्य से हम बहुत सारी चीज़ों को कवर करेंगे। ठीक है जी, तो अब हम देखेंगे कि आदिकाल और भक्ति काल और रीतिकाल और आधुनिक काल को नेक्स्ट पार्ट में मैं कवर करूंगा। ठीक है जी, और उसके बाद का जो पार्ट आएगा वो ऑब्जेक्टिव पार्ट होगा। पूरा हिंदी साहित्य से जितने भी क्वेश्चन आपके बनेंगे उनको हम वहाँ पे देखेंगे। तो अब देखते हैं हम आदिकाल को। तो आप जानते हैं आदिकाल को आदिकाल किसने कहा? आदिकाल को बीजक काल किसने कहा? और वीरगाथा काल किसने कहा आदिकाल को? और आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? ठीक है जी, तो बात करते हैं हम आदिकाल को। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। बीजक काल को आदिकाल महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। और वीरगाथा काल को किसने कहा? आदिकाल को वीरगाथा काल का नाम किसने दिया? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया। और आदिकाल को सिद्ध सामंत काल का नाम किसने दिया? तो राहुल संस्कृतायन जी ने दिया। ठीक है जी, तो ये तो होगी आदिकाल के संदर्भ में बात कि आदिकाल को आदिकाल किसने कहा, बीजक काल किसने कहा, वीरगाथा काल किसने कहा, सिद्ध सामंत काल किसने कहा। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा। तो अब बात करते हैं कि ये आदिकाल के जो ग्रंथ हैं इनको हम पांच भागों में बांट सकते हैं। आदिकाल के ग्रंथों को पांच भागों में हम बांट सकते हैं। तो वो पांच भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहले अगर बात करें तो सिद्ध साहित्य, राज साहित्य, जैन साहित्य और नाथ साहित्य और लौकिक साहित्य, इन पांच ग्रंथों में हमने आदिकाल को बांटा हुआ है। तो अब बात करते हैं कि सर जो सिद्ध साहित्य है उसमें कौन से ग्रंथ आते हैं, राज साहित्य में कौन से आते हैं, जैन साहित्य में कौन से आते हैं, नाथ साहित्य में कौन से आते हैं और लौकिक साहित्य में कौन कौन से ग्रंथ आते हैं। ठीक है जी, तो बात करते हैं हम सिद्ध साहित्य की। तो सिद्ध साहित्य की अगर बात करें तो सिद्ध साहित्य में हम देखते हैं कि जितने भी बौद्ध ग्रंथ हैं वो सिद्ध साहित्य में आते हैं और जितने भी राजस्थानी ग्रंथ हैं वो राज साहित्य में आते हैं और जितने भी जैन साहित्य ग्रंथ हैं वो जैन साहित्य में आते हैं और जितने भी गोरखनाथ ग्रंथ हैं वो नाथ साहित्य में आते हैं और जो लौकिक साहित्य है, लौकिक साहित्य की बात करें तो मध्यकालीन के पहले के जो ग्रंथ थे वो इसमें रखे गए हैं, जैसे प्रियदर्शनी हो गया, रत्नावली हो गया और नगाना हो गया। ठीक है जी, एटसेट्रा, तो वो यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम आदिकाल के कवियों की।
तो आदिकाल के कवि के बारे में देखें तो आदिकाल के कवि कौन कौन से थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में आपको क्वेश्चन बनेगा कि निम्नलिखित में से अमीर खुसरो किस काल के कवि है, ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं कि आदिकाल से संबंधित कौन कौन से कवि हैं। तो अमीर खुसरो जी हो गए एक, दूसरे कवि आपके चंद्रवरदाई, और तीसरे कवि विद्यापति, और चौथे कवि आपके नरपति नाला, और पांचवे कवि आपके जागनिक, ठीक है जी। अब बारी बारी से हम एक एक कवियों के बारे में देखेंगे, कवि के बारे में कुछ एक चीजें इंपॉर्टेंट है उनको देखेंगे और इनकी रचनाओं को देखेंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहले बात करते हैं अमीर खुसरो की। तो अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पर हुआ, अमीर खुसरो का जन्म पटियाली में हुआ, ठीक है जी, कापगंज पटियाली में इनका जन्म हुआ, ठीक है। और आप जानते हैं अमीर खुसरो का पूरा नाम क्या था, अमीर खुसरो का पूरा नाम अबुल हसन यमुद्दीन था, ठीक है, या अबुल हसन यमुद्दीन इसका पूरा नाम था। तो आप जानते हैं अमीर खुसरो का नाम आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, इतिहास में पढ़ा, ऐतिहासिक दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण पर्सन रहे। और आप जानते हैं ये इन्होंने अपने जीवन की जो शुरुआत है अमीर खुसरो ने, वो बलबन के टाइम की, बलबन के समय में इन्होंने अपनी जीवन की शुरुआत की। और आगे चल के ये आपको पता है, आगे चल के ये अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख दरबारी बने थे, ठीक है जी, आगे चल के ये अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख दरबारी बने थे। तो अगर नेक्स्ट पॉइंट हम अमीर खुसरो से देखें तो आप जानते हैं कि इन्हें हिंदी संस्कृति के प्रतिनिधि माना जाता है, हिंदी संस्कृति के क्या प्रतिनिधि कभी माना जाता है, ठीक है जी। नेक्स्ट अगर बात करें तो अमीर खुसरो जी ने तबले का आविष्कार किया, सितार का आविष्कार किया, और गजल का आविष्कार किया, और मकरी का आविष्कार किया, ठीक है जी, है ना। तो नेक्स्ट अगर बात करें अमीर खुसरो के बारे में, अमीर खुसरो जी ने, आप जानते हैं इन्हें तोताए हिंद की उपाधि दी गई है, इनके तोताए हिंद के नाम से जानते हैं, वॉइस ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, ठीक है जी। अगर नेक्स्ट अगर अमीर खुसरो से पॉइंट देखें तो खड़ी बोली के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं अमीर खुसरो, ठीक है जी, प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं खड़ी बोली के अमीर खुसरो। तो आप जानते हैं खड़ी बोली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि आप PCS या फिर एलाइड और SI सर्विस में आप क्वेश्चन देखेंगे कि बताइए जो हिंदी है, हिंदी भाषा है, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, है ना। तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति बहुत से स्टूडेंट, बहुत से एस्पिरेंट्स ये टिक करते हैं कि अपभ्रंश भाषा से हिंदी की उत्पत्ति हमें देखने को मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है जी। ऑप्शन में खड़ी बोली दिया होता है और अपभ्रंश भी दिया होता है, तो आप क्या करेंगे कि खड़ी बोली को टिक करेंगे, क्यों, क्योंकि खड़ी बोली से हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति खड़ी बोली से मानी जाती है, ठीक है जी, है ना। और आप जानते हैं, देखिए, तो सबसे जो पुरानी भाषा थी हमारी संस्कृत, पाली, प्राकृत, अभट, है ना, तो बहुत सारी भाषा को हम हिंदी उत्पत्ति के दौरान पढ़ते हैं, क्लियर। तो खड़ी बोली के कवि किसे माना जाता, अमीर खुसरो को, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो कवि है आदिकाल के, चंद्रवरदाई, ठीक है जी। चंद्रवरदाई के बारे में हम अगर बात करें तो आप जानते हैं कि वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं चंद्रवरदाई, वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं चंद्रवरदाई। अगर इनकी हम रचना या पुस्तक देखें तो इनकी रचना या पुस्तक पृथ्वीराज रासो है, ठीक है जी, पृथ्वीराज रासो इनकी रचना है। और आप जानते हैं ये पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य का महाकाव्य कहते हैं, इस पृथ्वीराज रासो को हिंदी साहित्य का महाकाव्य कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नोट कर सकते हैं आप। अब नेक्स्ट अगर कवि की बात करें तो विद्यापति जी, विद्यापति के बारे में देखें तो इनका अगर जन्म की बात करें तो 1352 में इनका जन्म हुआ, और मृत्यु की बात करें तो 1448 में इनकी मृत्यु हुई, दरभंगा में हुई इनकी मृत्यु। और आप जानते हैं इनकी रचना के बारे में, इनकी रचनाएं देखें तो विद्यापति की रचना पदावली इनकी रचना है, कीर्तिलता इनकी रचना है, और कीर्ति पताका इनकी रचना है, और नरपति नालह के बारे में अगर बात करें तो नरपति नालह के बारे में हम देखें तो इनकी जो रचना है नरपति नालह की, इनकी रचना बीसल देव रासो है, ठीक है जी, बीसल देव रासो नरपति नालह की रचना है। और बात करें हम जागनिक की रचना के बारे में देखें तो परमाल रासो इनकी रचना है। और आप जानते हैं ये जो बीसल देव रासो है ये एक प्रेम कथा है,
ठीक है जी। बीसल देव रासो जो किसकी रचना है, नरपति नालाह की। ये क्या है, बीसल देव रासो, ये एक प्रेम कथा है। और नेक्स्ट हमने देखी जागनिक की, तो इसकी रचना परमाल रासो है, ठीक है। तो ये परमाल रासो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि यूपी के महवा के दो प्रसिद्ध व्यक्तियों का वर्णन इसमें मिलता है। यूपी उत्तर प्रदेश के दो प्रसिद्ध व्यक्तियों का वर्णन हमें इसमें देखने को मिलता है। तो वो दो व्यक्ति कौन कौन से थे, एक था आलह और एक था उदल, ठीक है, आलह और उदल, ठीक है जी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं भक्ति काल, ठीक है जी। तो भक्ति काल के बारे में, भक्ति काल का टाइम पीरियड मैंने आपको बताया, इसका टाइमिंग 1350 से लेके 1650 तक रहा, 50 तक मतलब एडी, है ना, ईसवी, क्लियर। तो आप जानते हैं भक्ति काल को स्वर्ण काल के नाम से जानते हैं। भक्ति काल को क्या कहते हैं, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहते हैं। और आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर भक्ति काल को दो भागों में हमने बांटा है, एक तो निर्गुण भक्ति शाखा और दूसरी सगुण भक्ति शाखा। तो आप जानते हैं ये जो सॉरी ये जो निर्गुण भक्ति शाखा है, निर्गुण भक्ति शाखा के दो प्रकार आगे हमें और देखने को मिलते हैं। निर्गुण भक्ति शाखा में एक संत काव्य धारा आती है, निर्गुण जो भक्ति शाखा है इसकी दो धाराएं आगे को है, और संत काव्य धारा और दूसरी सूफी काव्य धारा, ठीक है जी। क्वेश्चन क्या बनता है कि बताइए संत काव्य धारा से कौन से कवि संबंधित है, या फिर सूफी काव्य धारा से कौन से कवि संबंधित है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िए। तो आप जानते हैं कि जो संत काव्य धारा है, ठीक है जी, जो संत काव्य धारा है ना, तो संत काव्य धारा से संबंधित जो कवि है, कबीर जी संत काव्य धारा के कवि है, नामदेव, रैदास, नानक देव और धर्मदास, तो ये सारे संत काव्य धारा से संबंध रखते हैं। और नेक्स्ट अगर बात करें हम सूफी काव्य धारा की, तो जायसी, मोहम्मद जायसी, ये सूफी काव्य धारा के कवि है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें दूसरा टाइप इसका, जो सगुण भक्ति शाखा है, सगुण भक्ति शाखा में हम देखते हैं दो प्रकार, इसकी भी दो शाखाएं आगे हैं, भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। यहाँ पे भी हम सेम क्वेश्चन देखेंगे कि कृष्ण भक्ति शाखा से जो संबंधित कवि हैं, मीराबाई, बिहारी लाल, सूरदास, रसखान, ठीक है, तो ये सारे कवि किस से संबंधित हैं, ये कृष्ण भक्ति काल से संबंधित है। अगर बात करें हम राम भक्ति काल से, तो राम भक्ति काल से तुलसीदास जी संबंधित है, ठीक है जी। तो आप जानते हैं, आप सभी ने ये चीजें पढ़ी होगी और उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये समझ आ रहा होगा अच्छे से। अब बात करते हैं हम भक्ति काल के जो कवि हैं, है ना, भक्ति काल के जो सभी इंपॉर्टेंट कवि है, जो जिनका नाम भक्ति काल में हमें देखने को मिलता है, उनमें नाम आता है तुलसीदास जी का, ठीक है, दूसरा नाम आता है सूरदास जी का, तीसरा नाम आता है कबीर जी का, चौथा नाम आता है मीराबाई का, और पांचवा नाम आता है जायसी का, ठीक है जी, है ना। तो अब बात करते हैं हम सूरदास के बारे में। सूरदास के बारे में, इनका जन्म जो है 1478 में हुआ, ठीक है, और इनकी मृत्यु 1583 में हुई, ईस्वी में हुई, ठीक है। और आपको पता है इनकी जो रचनाएं हैं, ठीक है, इनकी रचनाएं हैं सूर सागर, इनकी रचना है सूरसावली, इनकी रचना है सूरगृह, इनकी रचना है और भ्रमण गीत, इनकी रचना है और नागलीला, इनकी रचना है और गोवर्धन लीला, इनकी रचना है। एक बार फिर से सुनिए, सूर शब्द जिस रचना के आगे लगा हो वो सूरदास की रचना है, ठीक है जी, है ना। जैसे सूर सागर हो गया, सूरसावली हो गया, सूरगृह हो गया, और भ्रमण गीत आपको याद रखना है, नागलीला आपको याद रखना है और गोवर्धन लीला आपको याद रखना है। सूरदास की ये रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर बात करें हम तो तुलसीदास, ठीक है, तुलसीदास जी की रचना। तुलसीदास के बारे में थोड़ा सा देखें तो इनका जन्म 1511 में हुआ, ठीक है जी, और 1623 में इनकी मृत्यु हुई, ठीक है। अब इनकी रचनाओं के बारे में अगर देखें तो रामचरितमानस इनकी रचना है, ठीक है जी, तुलसीदास की, और जानकी मंगल इनकी रचना है, ठीक है, कृष्ण गीतावली इनकी रचना है और विनय पत्रिका इनकी रचना है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें हम मीराबाई की, तो
तो मीराबाई के अगर जन्म की बात करें तो 1498 में इनका जन्म हुआ और 1546 में इनकी मृत्यु हुई। अगर इनकी रचना की बात करें हम, गीत गोविंद का टीका इनकी प्रमुख रचना है और हर बार पेपर में ये आपको देखने को मिलेगी, बहुत सारे एग्जाम में, वो वन डे एग्जाम हो या फिर कोई सिविल सर्विस का एग्जाम हो, वहाँ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखें तो नरजी जी का मायरा, ठीक है, नरजी जी का मायरा इनकी प्रमुख रचना है। नेक्स्ट रचना इनकी जो राग गोविंद, ठीक है जी। नेक्स्ट अगर देखें तो राग सोरठा का पद, राग सोरठा का पद इनकी रचना है। तो ये सारे कवि किससे संबंधित हैं, भक्ति काल से संबंधित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कबीर जी की, ठीक है, कबीर के बारे में। तो कबीर जी का जन्म 1398 में हुआ और मृत्यु इनकी 1518 में हमें देखने को मिलती है। ठीक है जी, अब बात करते हैं, ये जो कबीर जी हैं इनको वाणी का डिटेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है, पंचमेल खिचड़ी के नाम से भी प्रसिद्ध है ये, ठीक है जी। अब बात करते हैं इनकी जो भाषाएं हैं, इनकी भाषा खिचड़ी और सदुकड़ी, दो भाषाएं इनकी, ठीक है, और इन्हीं में इन्होंने अपनी रचनाओं को लिखा हुआ है। और नेक्स्ट इनकी रचना की बात करेंगे तो साखी हो गया, संवद हो गया और रमैनी हो गया, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे मेरी बातों को, ठीक है जी, है ना। अब बात करते हैं हम लास्ट कवि जो है भक्ति काल के, वो है जायसी। जायसी के बारे में अगर देखें तो जायसी का जन्म 1570 में हुआ और इनकी मृत्यु अगर देखें तो 1542 में हुआ, सॉरी 1470 में इनका जन्म हुआ और 1542 में इनकी मृत्यु हुई, ठीक है। और इनकी जो रचना है पद्मावत इनकी रचना है और दूसरी अखरावट इनकी रचना, वेरी इंपॉर्टेंट अखरावट, ठीक है, आप जरूर याद करें इसे। और नेक्स्ट बारहमासा इनकी रचना है, ठीक है, और नेक्स्ट अगर बात करें चित्ररेखा इनकी रचना है, ठीक है जी। और आप जानते हैं जो जायसी है ये शेरशाह सूरी के दरबारी कवि भी थे, ठीक है। तो देखिए हमने बहुत सारी चीजों को देखा इन दो कालों में, आदि काल और भक्ति काल, ठीक है। जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें मैं आपको रीति काल और आधुनिक काल करवाऊंगा, बिल्कुल इसी तरह से हम पढ़ेंगे, हर एक कवि की रचना पढ़ेंगे, ठीक है। आदिकाल भक्ति काल में बहुत सारी चीजें देखी, तो आप अच्छे से इसे एक बार फिर से पढ़ें। और बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो थर्ड पार्ट मैं आपको दूंगा इसका, उसमें पूरी ऑब्जेक्टिव दूंगा मैं हिंदी साहित्य से, ठीक है जी। बहुत सारे क्वेश्चन होंगे और बहुत इम्पोर्टेंट, हर एक एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन। तो इस वीडियो मैं आप मुझे अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दें, कैसा आपको ये वीडियो लगा, अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि मैं आपके कमेंट देखे ऊर्जान्वित हो जाऊं, जिससे मैं आगे आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊं और बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट इकट्ठा करूं, ठीक है जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।